सत्ता प्लानिंग प्रति लोगों को जागृत करना ये सब मानवीय जिम्मेदारी है। समाज के सर्वांगीण विकास के लिए राजनीति जरूरी है। क्योंकि सत्तारी समाज के बगैर छत्तीसगढ़ में कोई भी सरकार नहीं बना सके। वहाँ अपने बौदा बाजार जो घटना हुई आज जानी हुई है कि मैं एस पी कार्यालय पर जराया गया वो निंदनीय है, लेकिन इसमें सत्ताईस समाज का किसी प्रकार से बात नहीं है कि बिना दतिया के कोई भी कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। जब तक उसका सही नेतृत्व न हो आज जरूरत नहीं है किसी प्रकार से आंदोलन करने के लिए। सत्तारी समाज को तो सबसे पहले बार आशी दादी के जो सिद्धांत है देश है इसकूवादी है पूरा समाज में एक एक व्यक्ति तक पहुँचाना ये सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी। सत्ता प्लानिंग के प्रति लोगों को जागृत करना ये सब मानवीय जिम्मेदारी है। साथ ही साथ जो पूरा समाज को एक ठीक करना ये जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य उन्हें पूरा समाज में संदेश दिया जाएगा। साथ ही साथ जिस मुद्दों से समाज को तकलीफ मरे समाज के साथ अन्याय अत्याचार अपमान अधिकार में जो समस्या आ रही है दिक्कतें आ रही हैं उस समस्या को भी दूर करने के लिए एक चरणबद्ध और प्लानिंग के अनुसार काम किया जाए। समाज में समाज के सर्वांगीण विकास के लिए राजनीति जरूरी है। जब तक समाज के लोग राजनीति में नहीं आएंगे राजनीति किसी पद पोस्ट में नहीं आएंगे तब तक समाज का जो विकास वो नहीं हो पाएगा। इसलिए समाज में राजनीतिक जागृति भी जरूरी है। एक राजनीतिक ताकत समाज का बनना चाहिए। जैसे आज हमने एक ताकत बनाया है छत्तीसगढ़ में क्योंकि सत्तारी समाज के बगैर छत्तीसगढ़ में कोई भी सरकार नहीं बना सके। वहाँ आपने तय कर दिया 2013 में 2018 में और 2023 में बिना गुरु के आशीर्वाद में बिना सत्तारी समाज के पुरखी सरकार आ गई। हमने पहले ही कह दिया जैसे मंत्रा सामने आया हमने एक स्टेटमेंट जारी किया सोशल मीडिया के माध्यम से और साथ ही मुख्यमंत्री के साथ दिन मुलाकात के पूरा समाज के प्रतिनिधिमंडल के साथ और हमने कहा कि भी बड़ौदा बाजार जो घटना हुई आज जानी हुई है कि मैं एस पी कार्यालय पर जराया गया वो निंदनीय है, लेकिन इसमें सत्ताईस समाज का किसी प्रकार से बात नहीं है। सत्तारी समाज के लोग जो एक मांग को लेकर जो अमर कृपा जहाँ तक न हुए थे जब काम को क्षति पहुँचाया गया तन खाने की अन्य उसके विषय में था वो कार्यक्रम बड़ा शक्तिपूर्ण रहा, लेकिन असामाजिक तत्वों के द्वारा उसको हाईजेक करके और इस घटना को अंजाम दिया गया है और जिस पर पुलिस के द्वारा गलत ढंग से कार्रवाई किया जा रहा है। इसके लिए बोला गया कि अभी कोई भी व्यक्ति जो है बिना जाँच पड़ताल को उस वक्त कष्ट प्रकट ना किया जाए और दाइक मान भी किया जाए ऐसा करके सोशल मीडिया मंत्री से काम ने स्वीकार किया कि मैं सत्तारी समाज शांतिप्रिय समाज है। सादे झंडे के बाद आशीर्वाद जी के संत अहिंसा के बाद में छपने वाले हैं उन्होंने भी स्वीकार किया कि सत्तारी समाज का वो इसमें हाथ नहीं है। एक शांतिपूर्ण डोला रहा है और इसमें बीच में जो अधिक तथ्य लोग जो समाज को बदनाम करना चाहते थे सरकार को बदनाम करना चाहते थे वो ऐसे लोग इसमें शाहिद लोग इस घंटा पत्थर को जांच दिए आओ तो मैंने कहा कभी वो तो ठीक है लेकिन सत्तारी समाज में सब का माहौल बन गया है। कोई भी समाज का बंदा वो अपने किसी भी कार्यक्रम पर नहीं जा पा रहा है सामाजिक कार्यक्रम रिश्तेदारी में मैं कहवा तो बन चुका फिर अब घर से बाहर निकलेंगे तो पुलिस आपको उठा लेगी ऐसा करते तो वो चीज़ को ख़त्म करने के लिए मैंने कहा कि भी बिना जांच पड़ताल के मुझे देखे बिना जो व्यक्ति उसमें सम्मिलित होगा उसी व्यक्ति को पाया जाए उसी व्यक्ति के साथ कार्रवाई किया जाए और जो भी दोषी व्यक्ति पाया जाता है उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए क्योंकि कितने बड़े समाज हैं जो सबसे बड़े समाज उसको बदनाम करती हैं सरकार को भी बस प्राप्त करने के लिए सही है घटना पाते हैं इनसे लोगों को बक्सा नहीं जाना चाहिए। समाज के लोगों से मैंने कहा भी है कि बिना दतिया के कोई भी कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। जब तक उसका सही नेतृत्व न हो काबिल नेतृत्व न हो तब तक ऐसे आंदोलन किसी भी प्रकार से नहीं करना ये समाज को हमने निर्देशित किया है।
समाज का एक नेतृत्व करने वाला और अम्मा जी के वहाँ पर होता हुआ जानी अपना पे वह नेतृत्व करने वाला नहीं था। नेतृत्व भी वो कार्यक्रम था, आंदोलन था, इसका फायदा असामाजिक तत्वों ने उठाया और इसका बोला पटना पंजाब थे। लेकिन आने वाला समय में ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसी घटना पुनरावृत्ति नहीं होगी। समाज का यह बन चुका है सपना के समाज का नेतृत्व बनाने वाला हो गया और समाज को हमेशा मार्गदर्शन और विकसित किया जाता रहेगा। किसी भी आंदोलन आज जरूरत नहीं है किसी प्रकार से आंदोलन करने के लिए, सरकार भी हमारे साथ समुद्र इस जिम्मेदारी के साथ मिल के जितने भी सामाजिक कुत्ते होंगे उसको निपटाएंगे। सरकार धर्म प्रति लोगों को जागृत करना ये सब हमारी जिम्मेदारी है। समाज के सर्वांगीण विकास के लिए राजनीति जरूरी है, क्योंकि सरकारी समाज के बगैर छत्तीसगढ़ में कोई भी सरकार नहीं बना सके। वहाँ अपने बौदा बाजार सुखा हुई आग जनी हुई है कि मैं एस पी कार्यालय जलाया गया वो निंदनीय है, लेकिन इसमें सत्ताई समाज का किसी प्रकार से बात नहीं है कि बिना दतिया के कोई भी कार्यक्रम नहीं होना चाहिए जब तक उसका सही नेतृत्व न हो। आज जरूरत नहीं है किसी प्रकार से आंदोलन करने के लिए।